हे गाइस, इन द पास्ट फ्यू वीडियोस आप लोग हमारे ट्रैवल जर्नी को देख रहे हैं फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी और इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे शहर आ रहे हैं। आई वाज ऑलवेज इंट्रीड विद द आइडिया कि कनाडा की इतनी डाइवर्स इकोनॉमी है और बहुत सारे और भी शहर हैं टोरंटो के अलावा, तो क्या क्या इसमें ऑफर होता है। जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं विनीपेग। अब विनीपेग में अशर का आज जो स्टे है, दिस इज गोना बी अ शॉर्ट स्टे और हम लोग निकल रहे हैं विनीपेग से रेजाइना की तरफ। सो होपफुली यू विल एंजॉय दिस व्लॉग एंड लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर एडू। टोरंटो से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर ये आता है शहर जिसका नाम है विनीपेग, जो कि मैनिटोबा स्टेट का सबसे बड़ा शहर है और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 8.5 लाख लोगों की है, जो कि कनाडा का 6th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन माना जाता है। एंड ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि विनीपेग इसका नाम क्यों है, क्योंकि विनीपेग नाम दिया गया है इसकी लेक की वजह से, लेक विनीपेग, जिसकी एंशियंट लैंग्वेज में मीनिंग है मडी वाटर। वैसे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इकनॉमी है, लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं जो कि ज़्यादातर फ्रेंच लोगों की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल डू वोएजर, जैसे विनीपेग फेस्टिवल, विनीपेग फोक फेस्टिवल और बहुत सारे और फेस्टिवल्स, जिसकी वजह से विनीपेग में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं हर साल। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इनरोल करते हैं और यहाँ की जो 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग, कैनेडियन मेनोनाइट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट बोनिफेस। जहाँ तक आई टूरिज्म की बात, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एक ब्रिज जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं प्रोविंशियल ब्रिज। ये ब्रिज डाउनटाउन विनीपेग को एक छोटी सी कम्युनिटी जो कि सेंट बोनिफेस की कम्युनिटी है वहाँ से कनेक्ट करता है और रेड रिवर के ऊपर आता है। सो प्लीज कीप दैट इन योर ट्रैवल बकेट लिस्ट अगर आप लोग विनीपेग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं विनीपेग से रेजाइना की तरफ, जो कि सस्केचुअन का एक बड़ा शहर है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक दोस्त है बहुत पुराना मेरा यूनिलीवर का, जहाँ मैं जॉब करता था पाकिस्तान में, तो वो रहता है वहाँ पे। पहले टोरंटो आया था, फिर वो वहाँ चला गया था, तो उससे मेरी बात हुई है। इत्तेफाक की बात है कि वो अवेलेबल भी है और छुट्टी भी है, मंडे का दिन है, तो उसने बोला कि यार मोस्ट वेलकम, तुम आओ, मेरे घर में कुछ दावत भी है, मतलब लोग भी आ रहे हैं, तो तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। नुमान नाम है उसका, और ये मुलाकात मेरे ख्याल से हो रही होगी 2012 के बाद। 2012 में मैंने छोड़ी थी कंपनी और मैं चला गया था ऑस्ट्रेलिया, और अब तकरीबन इस बात को हो गए हैं 11 साल। 11 साल के बाद ये मुलाकात हो रही होगी। बस अब गाड़ी मैंने चेक कर ली है, सारी चीज़ें जैसे मैंने कूलेंट वगैरह ये वो पानी वानी चेक कर लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। हम लोग आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स। भाई मैकडॉनल्ड में 10-11-12 डॉलर के अंदर मैक्सिमम हम लोग फारिग हो जाते हैं यहाँ से, और बस यहाँ से हम लोग लेंगे एक कॉफी, साथ में एक मफिन, वही जो सेम है जो है वो, और फिर साथ लेगा वही 2 डोनट। ये है भाई डाउनटाउन आपका, देख लो विनीपेग का, ये डाउनटाउन की वाइब। सुबह सुबह का टाइम है, देखो खूबसूरत हो, चांद भी निकला हो। ये देखो भाई कैश मनी किसी को चाहिए हो यहाँ पे, आगे डॉलर ही डॉलर है यहाँ पे, कितनी चाहिए ये देखो, डॉलर ही डॉलर है, डॉलर ही डॉलर, जितना चाहिए लूट लो, आई मीन ले लो। हेलो 1074 नंबर। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ये होता है कि हमें पूरे दिन के लिए जो है ना वो जाना जाती है। बाकी मैंने वॉलमार्ट वगैरह से बिस्किट वगैरह छोटी मोटी चीज़ें और बनाना मैंने ले लिया था, गाना चल रहा है, पता नहीं कॉपीराइट वगैरह ना आए। कॉफी के मामले में भैया सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को जज नहीं करता। काफी लोग कहते हैं कि भाई टिम हॉर्टन्स की कॉफी आप क्यों नहीं पीते, भाई टिम हॉर्टन्स की कॉफी मुझे पर्सनली जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ही कड़वा सा पानी लगता है मुझे, मतलब गर्म गर्म पानी लगता है। मैकडॉनल्ड्स की मुझे कॉफी अच्छी लगती है, स्टारबक्स की कॉफी मुझे अच्छी लगती है, बट मुझे टिम हॉर्टन्स की कॉफी अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं लगती, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और हम यहाँ से निकलते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बेरेबल है, अभी अच्छा मौसम है अगर देखा जाए तो, इस वक्त खुला खुला आसमान है। निकलते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके, अल्लाह ताला ये सफर भी हमारा, ये वाला पड़ाव जो है विनीपेग से लेके रेजाइना तक का तकरीबन 550-600 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह साथ खैरियत से पार करवा दे। तो भाई इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं विनीपेग से निकल के ब्रेंडन के शहर में। अब ये अच्छा बड़ा सिटी लग रहा है मुझे, यहाँ पे काफी चीजें हैं जैसे टिम हॉर्टन वगैरह तो हर जगह ही होता है, मैकडॉनल्ड केएफसी भी मुझे काफी नजर आ रहे हैं, पेट्रोल पंप भी काफी है, लोग भी काफी यहाँ पे नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे स्मॉल सिटीज होते हैं। तो ये टाउन होगा आई थिंक डेफिनेटली, और इत्तेफाक की बात है कि वो पीछे देखो, वो पीछे आपको शायद बस भी नजर आ रही होगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे जो है वो काफी नजर आ रहा है मुझे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैनिटोबा में एक बहुत अच्छी और खास बात है या फिर डिफरेंस है ये बताना तुम लोग, ऐसा क्यों है कि ओंटेरियो में जो है वो जो जिग जैग है पूरा ट्रांस कैनेडा हाईवे, वो पूरा जिग जैग है और एक रोड के ऊपर ही बना हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि जो हाईवे है वो रोड के ऊपर है, रोड है। मगर मैनिटोबा में जब से मैंने एंटर किया और अब मैं एग्जिट भी कर रहा हूँ यहाँ से रेजाइना की तरफ, तो यहाँ पे
डबल ट्रिपल लेन का जो है वो हाईवे जबरदस्त, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ह्यूम हाईवे होता था बिल्कुल उस तरह का, और तीन जाने की रोड है तीन आने की रोड है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अ सेफ्टी रीजन, के रात को आपको हेडलाइट आपके मुंह पे नहीं आएगी, मतलब हेड ऑन कोलिजन का भी खतरा नहीं होता, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। मुझे इस तरह के हाईवे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है, जबरदस्त बिल्कुल स्मूथ रोड है, मजेदार हाईवे, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो अगर तुम लोगों ने भी ऐसा सफर किया हो तो जरूर बताना, और आगे रिजाइना से लेके इंशाल्लाह ताला हम लोग निकलेंगे कैलगरी की तरफ, तो वहां का भी जो है वो हम हाईवे देखेंगे कि भाई सस्केचुअन जो सूबा है उसने किस तरह का जो है वो अपने उसमें काम किया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है ये फेडरल हाईवे होगा शायद, क्योंकि इस हाईवे का नाम है ट्रांस कैनेडा हाईवे, तो डेफिनेटली ये ओंटेरियो से लेके ये पूरा आई थिंक ट्रांस कैनेडा हाईवे ही चलेगा, और आगे कितना चलेगा ये हमें नहीं पता। दुनिया की सबसे लंबी नेशनल रोड है और तकरीबन 9 प्रोविंसेस को कनाडा के ये मिलाती है आपस में, तो सारे लोग यहाँ से इसीलिए ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू आउट कनाडा। बट ज़्यादा रिसर्च करने पे मुझे ये बात पता चली कि ये हाईवे वैसे तो कनाडा के नेशनल हाईवे सिस्टम में आती है, लेकिन ये फेडरल कोऑर्डिनेशन में नहीं है, बल्कि ये हाईवे हर इंडिविजुअल प्रोविंस के अंडर में है, यानी कि उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इन प्रोविंसेस के हाथ में है, ना कि फेडरल के हाथ में। तो जैसे हमने अल्बर्टा या मैनिटोबा में चौड़ी चौड़ी रोड देखी, ये सारा कॉन्सेप्ट प्रोविंसेस के हाथ में है, यानी अल्बर्टा और मैनिटोबा ने खुद ये प्लानिंग की होगी बजाय कि फेडरल ने ये किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर जो है वो कनाडा में गुजार देते हैं, मगर जो है वो मिसिसागा के बेसमेंट से नहीं निकलते या फिर मिल्टन के बेसमेंट में ही रहते हैं और जिंदगी अपनी वहीं पे शुरू करते हैं और वहीं पे खत्म कर देते हैं, और फिर बोलते हैं यार ये तो ये मुश्किल है वो मुश्किल है ये है ये मसाइले वो है। तो यार कनाडा ही इटसेल्फ बहुत बड़ा है, अगर आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया तो भाई एक्सप्लोर करो, कोशिश करो और इन्जॉय करो लाइफ में, घूमो फिरो, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी, कौन से शहर का कैसा ट्रैफिक है, कहाँ पे क्या रेंट चल रहे हैं, घर कितने का खरीदना है, जॉब्स कैसी हैं, क्या है, कितना टैक्स है, क्या चीजें, सब चीजें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर होता जाएगा जिंदगी में और मुल्कों का और शहरों का, तो उससे आपको जिंदगी में आगे डिसीजन लेने में और भी बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत आपका जो है ना एक्सपोजर बढ़ता है ट्रैवलिंग करने से। तो अगर आप लोग ट्रैवलर नहीं होते थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लिया करो। केले का छिलका भी रखा हुआ और साथ में यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, फुल पार्टी चल रही है, फुल पार्टी चल रही है इन्होंने, क्योंकि जो है वो छुट्टी ली है एक दो दिन की बेचारे ने, तो अभी ये जो है वो मंडे को काम कर रहा है, पे वगैरह बनानी होती है, सब कुछ करता है, तो ये एचआर में करता है, अगर किसी को अपना जॉब वॉब लगवानी है भाई तुमसे रब्ता कर ले, मुझे मैसेज भेज, मैं कमीशन चार्ज करके तुम्हें दूंगा। चलो मैं आता हूँ भाई, तो मैं जा रहा हूँ मुक्ति मारने के लिए क्विक सी, और फिर मार के और फिर चलेंगे जो है वो अपने, ये भी कैमरे पे आएगा, ये भी सोच रहे कि है हाँ ये क्या है, तो अब फिर जाएंगे। बड़ा जबरदस्त सा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, सूरज भी निकला है, मेरे मुंह से थोड़ा धुआं निकला है, मगर बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, सूरज जो है ना वो वाकई में एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी बूस्टअप होता है आपका, एनर्जी ड्रिंक से भी ज्यादा बेहतर। तो वाकई में जिन जगहों पे सूरज नहीं होता, ओंटेरियो में ऐसा होता था कि विंटर के टाइम पे दो दो महीने तीन तीन महीने मतलब सूरज नहीं निकलता था, और ऐसा होता था कभी कभी 15-20 दिन जो है ना वो डार्क बिल्कुल जो है ना वेदर होता था। पता नहीं मुझे कैलगरी का क्या होगा, मगर वैसे लोग बताते हैं कि वहां पे काफी सनी डेज ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा कनाडा में, तो इंशाल्लाह ताला इस साल का जो वेदर होगा विंटर वेदर जो हार्श होता है कनाडा का वो हम एक्सपीरियंस करेंगे कैलगरी अल्बर्टा के अंदर। एक और बात मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, और वो ये कि जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करता रहता हूं दुनिया भर के। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जब हम लोग हाईवेज पे जाते थे, सिडनी से मेलबर्न जा रहे हैं या ब्रिस्बेन जा रहे हैं, तो वहां पे हर जगह हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड लगे हुए होते थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टॉप रिवाइव सर्वाइव। 3 आवर्स के बाद अगर आप 3 घंटे मतलब मुस्तकिल गाड़ी चला रहे हैं तो आप एक तरह जो है ना फटीग की सिचुएशन में आ जाते हैं, वो मैंने कनाडा में कहीं पे भी नहीं देखी ऐसी चीज। और क्या आपको ये बात मालूम है कि एज पर कैनेडियन काउंसिल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट जितने भी मोटर एक्सीडेंट्स कनाडा में होते हैं उनमें से 21% स्लीप डिप्राइविंग की वजह से ही होते हैं, जिसकी वजह से हर साल 400 डेथ और तकरीबन 2100 लोगों की इंजरीज भी होती हैं। सो इट्स क्वाइट अलार्मिंग, बट हमें लगता है कि शायद ये बोर्ड्स लगने से मे बी एक काइंड ऑफ रिमाइंडर हो जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे कि स्टॉप रिवाइव सर्वाइव करें, और मे बी इससे कुछ ना कुछ चेंज आए इस पूरे परसेंटेज पे। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे बोर्ड्स भी कनाडा में होने चाहिए कि नहीं? तो मैंने कि सोचा आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ, मतलब ये कोई इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, जो कैनेडियंस होंगे वो बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ऐसा है तो वहां क्यों नहीं रहते यहाँ क्यों नहीं रहते, बट ये एक जनरल एक वो होता है, पाकिस्तान में भी ये नहीं होती चीज कि जो है वो इस तरह की चीजें लिखी हुई हो या वो हो ऐसी, अगर हाँ छोटी मोटी चीजें लिखी होती है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो है ना आप जब लॉन्ग गाड़ी चला रहे होते हो मतलब 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की ड्राइव इस तरह की होती है, लंबी लंबी ड्राइव होती है, तो मेक श्योर कि जो है ना तुम स्ट्रेचिंग कर लिया करो। अब स्ट्रेचिंग से मुराद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज होती है छोटी मोटी, कोशिश करो बाथरूम चले जाओ चल के, ये इंपॉर्टेंट बात होगी स्पेशली 3 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको ये करना ही करना है, लाजमी बात है। दूसरी बात ये कि एक और भी काम करो, इस तरह की कर लो स्ट्रेचिंग, मतलब देख रहे हो ये आपने ये पकड़ा
या फिर वैसे खुद से कर ली, यूं कर ली, ये चीज स्ट्रेचिंग हो जाएगी। देखो ये चीज आ गई, इस तरह की स्ट्रेचिंग आप लाजमी कर लो अपनी टांगों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ना करने से आपके ब्लड क्लॉट भी हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपके पैर सूज सकते हैं। मुझे याद है मैंने ये चीज नहीं की थी, नया नया था जब मैं जा रहा था सिडनी से ब्रिस्बेन, 2012 की बात है, तो मेरे पैर जब मैं वापस आया तो इतने मोटे मोटे हो गए थे। तो भाई डॉक्टर ने बोला क्या किया था, मैंने कहा कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, तो उसने कहा आपने कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं की थी, मैंने कहा नहीं, तो कहने लगा नहीं भाई स्ट्रेचिंग जरूर किया करो, लिखा हुआ भी होता है वो होता है। तो एनीवे मैंने कहा सोचा कि आपको ये टेक्निक बता देता हूँ कि अगर तुम लोग गाड़ी लंबी चला रहे हो तो मेक श्योर कि स्ट्रेचिंग करो अगर सिंगल ड्राइवर है, दूसरा है तो अगर वो बदलना चाहे मतलब स्विच ओवर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मैंने इनको बोला था कि जो है ना कर लो जाके, तो इन्होंने बोला नहीं, जब मैं करके आ गया तो फिर इनको ख्याल आया कि नहीं अब मुझे भी करनी है, कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, जिसने करनी है वो जीतेगा। हाँ ये जितनी ज्यादा की उतना ज्यादा जीतेगा। चलो जी बैठ जाओ, यल्ला यल्ला बॉयज का मतलब होता है वहाँ पे, लेबनीज बोला करते थे यल्ला 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 मतलब चलो 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 चलो। बॉयज हम लोग इस वक्त रजाइना से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे हैं, 1 घंटे में इंशाल्लाह हम अपने सेकंड लास्ट पड़ाव पे मतलब पहुंच जाएंगे। लास्ट पड़ाव हमारा इंशाल्लाह कैलगरी होगा। देखो सिंह साहब का यहाँ पे बिस्ट्रो है, यहाँ पे इन्होंने अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त जो है वो सुपर स्टोर बनाया हुआ है, सुपर मार्ट है, और यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल पंप भी रखा हुआ है, मतलब पेट्रोल शेट्रोल भी रखा हुआ है। मेरा भी आगे चल के ऐसा कुछ कहानी करने का प्रोग्राम है, सिटी में खोलेंगे या बाहर खोलेंगे या कुछ तो है, मगर इंशाल्लाह ताला जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ बिजनेस करने का प्लान है, ताकि पाकिस्तान से अपने लड़कों को इम्पोर्ट किया जाए, जो खालाओं के बेटे हैं, मामों के बेटे हैं या फिर सना का भाई है, ये इंशाल्लाह मेरा प्लान है आगे चल के। अल्लाह ताला जो है वो शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं लेकर आया, क्योंकि मैं जो है वो पहले जो है वो कोशिश की थी कि अपने भाई को भेजा ऑस्ट्रेलिया, फिर अपनी बहन को भेजा, फिर खुद किया, अपने अम्मा अप्पा को बुलाया, वहां पे सेट किया, बट डेस्टिनी शायद कुछ और ही होती है, अब क्या पता कि मेरी वजह से। तो ये गेम है, अब बस निकलते हैं रजाइना के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। पुरानी गाड़ी है, भरोसा नहीं था, मगर फिर भी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तवक्कल के ऊपर लेके 3,500 किलोमीटर के सफर पे निकल पड़ा। आपको नई गाड़ियों में भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, पुरानी गाड़ियों में भी आ जाती है, मगर अगर नहीं होने वाली बात तो नहीं होती। रजाइना चलते हैं और वहां पे चल के दोस्त के घर पे कुछ खाना पीना है। हम लोग आए हुए थे इस वक्त रजाइना, और रजाइना में ये नोमान भाई हैं, ये नोमान भाई हमारे साथ होते थे यूनिलीवर में, यूनिलीवर पाकिस्तान में, और इन्होंने जो है वो इनवाइट किया, इनको फोन किया था, इन्होंने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच नोमान भाई का। और अभी हम लोग नान लेने के लिए आए हुए यहाँ से, मेरे घर में दावत है जिसमें 10-12 लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नान वगैरह ऑर्डर। और ये इस्लामिक स्कूल है हुदा के नाम से, अच्छा स्कूल है, इस्लामिक स्कूल। हाँ और ये फीस, सारे फीस होती है इसकी? हाँ ये फीस है, लेकिन उतनी हाई नहीं है जितनी ओंटारियो वगैरह। ओके, मैनेजेबल है। और ये एक्सटेंड भी कर रहे हैं अभी ना, उन्होंने 7 वाला ग्राउंड शायद ले लिया है अप्रूवल उसका। सही। और ये ज्यादातर ये यहाँ इसीलिए पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ ना घर बड़े मुश्किल से मिलते हैं इस एरिया में, क्योंकि फॉरेन निकल जाते हैं स्कूल की वजह से। सही। स्कूल का बड़ा जो है ना वो प्लस पॉइंट होता है अगर आपके घर से करीब हो, ऑब्वियसली, क्योंकि जब विंटर होते हैं तो बड़ा वो हार्श वेदर होता है, तो चाहते हैं कि करीब करीब स्कूल हो। मेरे बच्चे तो वॉक ही करके जाते हैं। अच्छा, वॉक करके जाते हैं। चलो, ये वाला जो माहौल देख के जो है ना, मुझे लिटरली अपनी पप्पो का जो घर होता था इस्लामाबाद में वो मुझे याद आ गया। उनका भी ऐसे ही होता था, मतलब विंटर विंटर वाइब होती थी इस्लामाबाद में, आपको तो पता ही होगा। और विंटर में उसके बाद ये हो गया, उनके पीछे का था वो, उनके जो बने हुए थे घर सारे, फेडरल एम्प्लॉयमेंट होती है वो, उनके उनको वहां से घर मिला हुआ था, मेरे पप्पा को और पप्पी को भी। तो वो इस तरह की जो है ना, कभी हम लोग जाते थे इस्लामाबाद में, अगर वो देख रही हो या मेरी जो है वो कजन भी देखती हैं साइमा बाजी, तो वो देख रही हो, तो इस टाइप का ही थोड़ा बहुत जो है ना पीछे का जो एरिया था उनका। फिर बाद में उन्होंने कमरे वगैरह बना लिए थे, सब चीजें हो गई थी, मगर पहले ऐसे ही था कि पीछे शुरू में घर था उधर इस साइड पे, और पीछे जो है ना उनका गार्डन था, वहां पे सब बैठक बैठक होती थी, शादियों में फंक्शन वगैरह भी होते थे, ढोलकियां भी होती थी, ये सब कुछ होता था। ये देखो यहाँ पे ये फोन पे बातें कर रहे हैं, आई थिंक ये बेगम
इनकी कुछ बोल रही होंगी, पूछ रही होंगी, है ना। ये देखो नुमान, घर का मीठा खाना तो हो गया था, अब ये मीठा है। मीठे में क्या है, ये क्या? ये सूजी का हलवा मैंने खुद बनाया भाई। पक्की बात है? हाँ हाँ। और ये खीर अमित। हम लोग इस वक्त आ गए हैं नुमान भाई के साथ इस बिल्डिंग में, और ये है लेजिस्लेटिव बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम है लेजिस्लेटिव, और ये है रिजाइना के अंदर। ये देखो भाई क्या जबरदस्त बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर नुमान बता रहे हैं कि ये टूर जब आई थी यहाँ, मेरे ख्याल 1900s अर्ली 1900s में, तो ये उसके लिए बनाई गई थी। ये फ्री टूर्स भी देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें। अभी जो करंट MLAs वगैरह होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, मतलब ये ऑपरेशन है फुल, मतलब यूज हो रही है। बिल्स वगैरह जब होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे वो यहीं होते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान डे भी यहीं सेलिब्रेट होता है, इंडिया का डे भी यहीं 15 अगस्त को यहीं सेलिब्रेट होता है। और इसके सामने जो है ना, वहाँ एक पूरा बागीचा है जो कि क्वीन के उसमें बनाया था ऑनर में। ये देखो भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ 2 आई थी यहाँ पे। ये घोड़ा है, और पीछे जो गार्डन है ना, ये अभी खैर नजर नहीं आएगा क्योंकि रात है, लेकिन ये गुलाब वगैरह और ये बड़े अच्छे लगे हुए इसमें, और ये उन्हीं के लिए बनाया था। इट्स पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो उनकी विजिट को कमोमरेट करने के लिए उन्होंने बनाया था। यहाँ शाम वो लगे हुए सारे जिसमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई भी है। सही, तो टूर जो वो देते हैं वो सिर्फ अंदर का ही देते हैं, मगर बाहर का कुछ नहीं बताते हैं। हाँ, बाहर का उसमें बस ये बता देते हैं कि गार्डन हमने सेटअप किया था। ये 2005 में आई थी, 18 मई 2005। इन रिजाइना शी विजिटेड द फर्स्ट नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, RCMP जो मैं बता रहा था ना, पुलिस का डेपो उन्होंने विजिट किया था। यही वाली आई थी जो भी मरी है ना। ये 2005 में आई थी। 2005 में तुम कहाँ थे? 2005 में भाई, 2005 में मैं पढ़ रहा था स्कूल में। स्कूल में पढ़े थे? बच्चे थे? बच्चा था। अबे अभी भी बच्चा हूँ मैं। 2005 के एंड में मैंने यूनिलीवर ज्वाइन किया था, मुझे याद है आज भी, 2005 के दिसंबर में। मैं ओ लेवल्स में था उस वक्त। हैं? ओ लेवल्स में। तो सोचो तुम पढ़े थे और हम काम कर रहे थे। और कोई नहीं यहाँ पे आई थी कनाडा के अंदर, और हमने सोचा भी नहीं था कि बेटा 2023 में सस्कैचवन में हम लोग वो रिजाइना के अंदर चक्कर लगा रहे होंगे। भाई थैंक यू सो मच नुमान का, कि नुमान ने इनवाइट किया और इतना टाइम दिया। आजकल की दुनिया में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, कौन किसके लिए करता है, तो थैंक यू सो मच। ये हम आए हुए इस वक्त बोस्काना लेक पे, और सर्दियाँ आ रही हैं, ये सर्दियों में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। और ये अभी यहाँ थोड़े दिन पहले स्कूटीज चलनी शुरू हुई हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, आप ऐप के थ्रू इसको रेंट कर लेते हैं एंड देन यू गो फॉर अ ड्राइव। और ये लेक जो है वो पूरी फ्रोजन हो जाती होगी? फ्रोजन हो जाती है ये लेक, मतलब आर्टिफिशियल है, और ये बिल्डिंग की वजह से, और ये पूरा यहाँ साइड में ना वॉकिंग ट्रैक है इसमें। Okay. और वो सामने ही डाउनटाउन है ना? हाँ, वो डाउनटाउन की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। तो अशर मेरा शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन आज असल कमाल जो है वो थैंक्सगिविंग का है। आज थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, इसीलिए इनको इतना टाइम दिया है। आज स्टैट हॉलीडे कनाडा में, वरना अगर वर्किंग डे होता तो इतना लंबा हम नहीं बैठ सकते थे, बट फिर भी इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतना टाइम। हाँ यार, बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग जा रहे थे तो अच्छा के टच कर लिया। हमने ये सोचा कि चलो यार फोन करके देख लेते हैं, अगर नुमान भाई अवेलेबल होंगे तो मुलाकात तो हो जाएगी एटलीस्ट। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से अशर और साथ दोनों सस्कैचुअन में स्टे करने वाले हैं आज, और बाकी का आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस व्लॉग में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, टेक अवेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, एंड शेयर करें इस वीडियो को, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।